सभी मेरे भाइयों बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं आपका भाई विपिन मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी राठौर युवा सेना भारत। आज मैं आप सबके सामने बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर आया हूँ। आखिर आप लोग कब तक हाथ पर हाथ धरे अपने घरों में बैठे रहेंगे? मामला है सीतापुर की महौली तहसील के अंतर्गत हथुरी गांव का, जहां एक प्रधान पति ब्लॉक प्रमुख राजनीतिक रंजिश में गरीबों के मकान गिराए जा रहे हैं बुलडोजर के द्वारा, और गिराए गए हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी का कहना है, किसी गरीब के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा और नहीं चलता है। सरकार किसी के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाती है। मैंने सुना था कि सरकार केवल दुर्दांत अपराधियों, जो देश विरोधी है, जो आतंकवादी है, उनके घरों पे बुलडोजर चलता है, जो आक्रांता है उनके घरों पे बुलडोजर चलता है। लेकिन आज सीतापुर के मोहली तहसील के अंतर्गत हथुरी ग्राम में गरीबों के घर पे बुलडोजर चलने लगा है। शायद यह बात माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी के संज्ञान में नहीं है, और मात्र इसलिए कि वो कहा जाता है कि तालाब की जमीन में मकान बने थे और ग्राम समाज की जमीन में मकान बने थे। तो मैं पूछना चाहता हूं उन अधिकारियों से जिन्होंने ग्राम समाज की जमीन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कॉलोनी दी गई थी, तब कहां थी? तब वो जांच नहीं कर सकते थे, तब तालाब की जमीन नहीं थी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि सैकड़ों सालों से जमीनें जो आज ग्राम समाज की तालाब की है, वो सैकड़ों सालों से, 80 सालों से, 50 सालों से लोगों के पास थी। किसी भी सरकार ने इनमें हस्तक्षेप नहीं किया और केवल गरीबों के पास जमीनें जो है उन पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। और अगर जांच सही तरीके से कर ली जाए तो 100 में 90% ग्राम प्रधान, 100 में 90% ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, इन्हीं लोगों के पास सैकड़ों बीघे, 50 बीघे, 10 बीघे जमीन कब्जा की गई है। उसमें कहीं फार्म बना दिया गया है, कहीं गेस्ट हाउस बना दिया गया है, और कहीं कहीं तो तालाब बना दिया गया है। उन पे क्यों नहीं जांच होती है? मैंने इतने सालों से मैं देखता आ रहा हूं, जितने भी विधायक जिस सरकार की होती है, जिस सरकार के विधायक होते हैं, जिस सरकार के वो कार्यकर्ता जो होते हैं विधायक के, वो लोग जमीनें कब्जा करे बैठे हैं, लेकिन उनकी जमीनों पे बुलडोजर नहीं चलेगा। और प्रधानी रंजिश में, ब्लॉक प्रमुखी की रंजिश में गरीबों पे बुलडोजर चल रहा है। तेली समाज पे बुलडोजर चल रहा है, SC समाज पे बुलडोजर चल रहा है। ये जातिवाद, ये भेदभाव आखिर हमारी भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के साथ क्यों कर रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 से, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए, तेली समाज तब भी
भारतीय जनता पार्टी के साथ था और अब भी है, लेकिन उस बुरे वक्त में, उस बुरे वक्त में तेली समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था, जब लोग झंडा उठाने से डरते थे, आंदोलन नहीं कर पाते थे, पुतला नहीं फूंक पाते थे, डर था उनके अंदर कि सपा सरकार का अगर हम विरोध करेंगे तो मुकदमे लिख जाएंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे। ऐसे बुरे वक्त में मोदी सरकार को, मोदी सरकार का साथ तेली समाज ने दिया है, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कहने के बावजूद भी प्रधानी की रंजिश के कारण ग्राम हतूरी जो सीतापुर के मोहली तहसील के अंतर्गत पड़ता है, गरीबों के मकान प्रधानी और ब्लॉक प्रमुखी और साथ में विधायक भी सम्मिलित हैं, ये 100% सत्य है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी, ये वो लोग हैं जो जब सरकार अपनी नहीं थी 2014 में, तब ये लोग दूसरी साइड में थे, होंगे, और जब सत्ता आई तो धड़ाधड़ ज्वाइनिंग शुरू, लेकिन तेली समाज तब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था और अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये अन्याय, ये अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख और प्रधान विधायक के द्वारा मोहाली तहसील के हतुरी ग्राम में हो रहा है। और मैं सीतापुर के भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग कल हजारों की संख्या में, संख्या कम नहीं होनी चाहिए, हजारों की संख्या में पीड़ित परिवार बैठा है मोहाली तहसील में धरने पर, और सीतापुर के मैं तेली समाज से कहना चाहता हूं, अगर आप अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो सबके घरों पे बुलडोजर चल जाएगा, और बुलडोजर सरकार नहीं चलवाएगी, ये जो क्षेत्रीय नेता है ये अपना वर्चस्व दिखाने के लिए गरीबों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। ये जानते हैं कि तेली समाज का कोई नेता ही नहीं है जो तेली समाज को बचा लेगा। तेली समाज का कोई विधायक ही नहीं है जो तेली समाज के लिए आवाज उठा लेगा। वो ये बात जानते हैं कि तेली समाज को बचाने वाला कोई नहीं है। मन चाहे जितनी कब्जा कर लो, मन चाहे जितने मकान गिरा दो, केवल तेली समाज का। मेरे भाइयों बहनों, सीतापुर के मेरे भाइयों बहनों, कल सुबह 10 बजे, सीतापुर के भाइयों बहनों, कल सुबह 10 बजे आपको मोहाली तहसील में धरने पे बैठना है और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होना है, शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि हम लोग शांतिवादी हैं, हम लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम लोग सत्य की बात करते हैं, हम लोग अन्याय का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी सत्य की बात करते हैं, गलत का विरोध करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से ही, मैंने भारतीय जनता पार्टी से ही गलत का विरोध करना सीखा है। 2014 से जब मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, धरना प्रदर्शन आंदोलन और गलत का विरोध करना भारतीय जनता पार्टी से सीखा है। हमारी सरकार में अगर हमारे साथ गलत होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, और यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, पूरे भारत में पहुंचनी चाहिए। अगर आप तेली हैं, आपकी रगों में तेली का खून दौड़ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कि पता चले कि मोदी सरकार में भी मोदी समाज के लोगों के साथ अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण हो रहा है।
अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे फिर हत्या क्यों ना कर दी जाए, क्योंकि मरना एक बार है, बार बार मरना नहीं है। मरूंगा तो शान से मरूंगा, और मैं समस्त अपने हिंदू, जो हिंदू का दम भरते हैं, और आज तेली के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि वो तेली है, तेली पिछड़ा में आते हैं, एससी के साथ, एससी समाज के साथ गलत हो रहा है, तो क्योंकि वो एससी में आते हैं, क्या हिंदू नहीं है? मैं उन अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि कम से कम हिंदुत्व के नाते आप भी गलत का विरोध करिए, आप भी गलत का विरोध करिए, क्योंकि हमने भी हिंदुत्व के लिए अपने जो हमारे हमारी सेना, अभी से नहीं, हमारी सेना, हमारे लोग, हमारे भाई लोग हमारे साथ हजारों की संख्या में काफी पहले से जुड़े हैं, और हिंदुत्व के लिए हम लोग सड़कों पे उतरते थे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, न जाने कितने संगठन, मैंने अपनी टीम के साथ में हमेशा साथ दिया है, और आज मैं अपने हिंदुत्व के स्तंभों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी गलत का विरोध करें, क्योंकि आज अगर गलत का विरोध आपने नहीं किया तो भविष्य में हो सकता है कभी आप पर भी विपदा आए, तो सब अपना अपना देखेंगे कौन किसके लिए आवाज उठाएगा। मेरे भाइयों बहनों, अगर बात की जाए ग्राम सभा जमीन की, सरकार अगर उसमें कुछ करवाती है तो उसके लिए वो जमीन दे दी जाती है ग्रामवासियों के लिए, लेकिन ये प्रधानी की रंजिश के कारण, ब्लॉक प्रमुख के, विधायक के हस्तक्षेप के कारण ये जमीन कब्जा करने के मकसद से मकान गरीबों के गिरवा दिए गए हैं। और अगर सही से जांच कर दी जाए, निष्पक्ष जांच कर दी जाए, तो विधायक, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान सबके पास अवैध ग्राम समाज तालाब की जमीन कब्जा पाई जाएगी। और अगर पूरी तरीके से इसी प्रकार सरकार चाहती है कि ग्राम समाज के जो बने घर हैं सैकड़ों वर्षों से, वो ग्राम समाज में बने हैं, पूरे भारत में जितने भी गांव हैं पुराने, उनमें किसी के पास कागज नहीं होगा, सभी ऐसे ही बने हैं। अगर ऐसे ही गिराए जाएंगे तो पूरा का पूरा गांव साफ हो जाएगा, क्योंकि उनके पास बैनामा का कागज नहीं होगा। पूर्वजों के समय से उनके पास जमीन है, उन्होंने कब्जा नहीं की है, वो अपना रह रहे हैं, बसर कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा किसी गरीब के घर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन ये ब्लॉक प्रमुख, ये प्रधान बहुत बड़े मंत्री समझ रहे हैं अपने आप को कि गरीबों के घर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। अरे सबसे पहले आप अपने, जो आपने कब्जा करी है जमीने ग्राम समाज की, वो आप खाली करिए, तब आप कह सकते हैं कि ये जमीन खाली की जाए। और मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूं, क्योंकि संपूर्ण भारत में अगर जांच हो जाए तो किसी का घर नहीं बचेगा, गांव में घर नहीं बचेगा। ये बैनामा तो 40-50 सालों से शायद
शुरू हुए हैं। पहले कोई बैनामा नहीं होता था, यह देश आजाद हुआ है शायद तब से बैनामा होता था, शायद तब से बैनामा होता था, लेकिन देश के आजाद होने के पहले बैनामा नहीं होता था। और अगर आपको कार्रवाई करनी है, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी से मांग करता हूं, जितने विधायक हैं किसी भी पार्टी के हो, जितने मंत्री हैं किसी भी पार्टी के हो, जितने ब्लॉक प्रमुख हो किसी भी पार्टी के हो, उनकी जमीने के बारे में पता किया जाए, किसके पास कितनी जमीन, ग्राम समाज, तालाब, बंजर कब्जा है, पहले उनकी कब्जा मुक्त कराई जाए, उसके बाद 5 बिसुआ 10 बिसुआ या 4 बिसुआ पे मकान बनाने वाले या कंडा उपले भैंसे घोड़ा बनाने वाले गरीबों पे बाद में किया जाए। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर अब भी आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो आपके साथ अन्याय होता रहेगा। इसलिए कल आप सभी, अगर आप तेली हैं, तेली होने पे गर्व है, तेली होने पे गर्व है, तो मोहाली तहसील में पहुंचे सुबह 10 बजे और 3 दिन, मात्र 3 दिन, मात्र 3 दिन बैठिए आप लोग धरने पर शांतिपूर्ण तरीके से, और उसके अगर न्याय नहीं मिलता है उसके बाद में हजारों की संख्या के साथ में इको गार्डन में प्रस्थान करिए, या तो गोली खाए या तो न्याय लीजिए। अब हमारी सरकार में अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है, हम लोगों के साथ अत्याचार शोषण होता है, तो अत्यंत निंदनीय है, गलत है। भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही है तेली समाज के लोग। भारतीय जनता पार्टी का 90 से तेली समाज भारतीय जनता पार्टी को 90 से 95% वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी में है। दो चार पांच परसेंट इधर उधर है, लेकिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करता हूं, ऐसे प्रधान, ऐसे ब्लॉक प्रमुख, ऐसे विधायक जो राजनीतिक रंजिश के तहत गरीबों की जमीनों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, कब्जा करना चाहते हैं, या कहीं कूड़ादान बनवाना चाहते हैं, कहीं कुछ बनवाना चाहते हैं, केवल और केवल राजनीतिक रंजिश में, और जो 5-5, 10-10 बीघे जमीन अन्य लोग कब्जा किए हुए हैं उन पे कोई हस्तक्षेप नहीं करते, ये राजनीतिक रंजित बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई करें जो गरीबों को परेशान करते हैं, जो गरीबों को परेशान करते हैं, जो तेली को परेशान करते हैं, क्योंकि तेली आपका वोट है, तेली समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए आपको निर्णय लेना है, अगर इसी तरीके से तेली समाज के साथ अत्याचार, अन्याय, शोषण होता रहेगा, परेशान किया जाता रहेगा, तो कब तक आखिर भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी कहकर अपने ऊपर लठ बजवाता रहेगा। यह लठ बजवाना ही हुआ है कि तेली समाज की जमीनें कब्जा की जा रही है, तेली समाज के मकानों पे बुलडोजर चला जा रहे हैं, ये लठ बजने की श्रेणी में ही आते हैं, ये उससे भी बड़ा दंड है। बुलडोजर तो बाबा जी के अनुसार अपराधियों, जो दुर्दांत अपराधी है, गैंगस्टर के हैं, जो सरकार देश का विरोध, देशद्रोही है, जिन्होंने सार्वजनिक चीजों को नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने अपराध किया है, बहुत बड़े अपराधी है, बुलडोजर उनके घरों पे चलता है। यह है माननीय
बाबा जी का आदेश, यह है माननीय बाबा जी का आदेश। लेकिन ये जो क्षेत्रीय नेता प्रधान ब्लॉक प्रमुख विधायक भगवान समझने लगे हैं, ये भूल गए हैं कि बाबा जी ऊपर बैठे हैं। माना कि हम छोटे लोग हैं, ना हमारे सांसद हैं ना विधायक हैं, हम लोगों की आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती है। तो ऐसे नहीं पहुंचेगी तो धरने पे बैठ के हजारों की संख्या में जब इको गार्डन में पहुंचेंगे, लाखों की संख्या में पूरे भारत से अपने पदाधिकारियों को, टीम को, समाज को आह्वान करेंगे, तब इको गार्डन में बैठेंगे, तब तो माननीय मुख्यमंत्री बाबा जी के पास के संज्ञान में हमारी बात जाएगी। बाकी आप लोग क्षेत्रीय नेता ऐसे ही समाज को परेशान करते रहेंगे और ये बर्दाश्त नहीं। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप सच्चे तेली हैं, आपकी रगों में तेली का खून दौड़ता है, तो आप इस वीडियो को, इस लाइव को जितना ज्यादा शेयर कर पाए शेयर करें। यह बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचनी चाहिए कि आपके तेली समाज पर, आपके मोदी समाज पर कितना बड़ा अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न हो रहा है। उनको भी देखना चाहिए और उन तक जब बात पहुंचेगी उनको भी पता चलेगा कि आपके समाज के लोगों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं केवल आपके नाम पे, और उनके साथ ये अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न बहुत गलत। इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें, प्रत्येक व्यक्ति शेयर करें, क्योंकि शेयर करना ही आपकी आवाज है, हमारी ताकत है। मोदी राठौर युवा सेना हमेशा समाज के साथ है। तेली समाज के सम्मान में मोदी राठौर युवा सेना मैदान में। भारत माता की जय, जय श्री राम। मोदी राठौर युवा सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद।